नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आटे का केक बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने 2 कप आटा ले लिया है, जो ये सबसे बड़ा वाला मेजरिंग कप होता है, ये भर के मैंने 2 कप आटा ले लिया है। आटा मैंने इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसमें दूध मैंने नाप से रखा है, इसलिए 2 कप इसमें आटा मैंने। अब इसमें इसको छान लेंगे। आटे को छानना बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें जो ये बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच डाल देंगे, और इसमें बेकिंग सोडा है तो ये आधी चम्मच ले लेंगे बेकिंग सोडा। ये सेकंड नंबर वाला इसमें तेल है, 1 कप तेल लिया है, और ये छोटा वाले में दही लिया है, और ये कुछ काजू है, कुछ किशमिश है, कुछ बादाम है, जो कि मैं चॉपर में चॉप करूंगी। तो अब सबसे पहले हम इसको छान लेते हैं अच्छे से, ताकि जो हमारे आटे में है ये सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए। आटा छन गया हमारा, इसमें बर्तन में ऑयल डाल देंगे और ये दही डाल देंगे, विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देसी खांड है मेरे पास, ये डाल दी हूँ। अगर देसी खांड या बूरा ना हो तो चीनी का पाउडर बना के डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और ये मिल्क पाउडर जो आता है ये भी डालना है, 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। मैं ये मिलाऊंगी इतने बैटर के लिए। इतने मैं कढ़ाई का फ्लेम ऑन करके नमक को गर्म कर लेती हूँ। इसमें नमक रख दिया मैंने और 5-7 मिनट इसको गर्म करना है। अब ये चॉपर में बादाम और काजू को थोड़ा सा मैं चॉप कर लूँगी। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो चॉपर में हम आराम से चॉप कर सकते हैं इसको। कुछ ही सेकंड में ये चॉप हो जाता है। अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते तो टूटी फ्रूटी जो आती है वो भी डाल सकते हैं। तो जो हमने आटा छाना था ये डाल लेंगे इसमें, मिल्क पाउडर और देसी खांड और दही और ऑयल लिया जो, और आटे में मैंने बेकिंग सोडा डाला था और बेकिंग पाउडर भी डाला था। तो हमारा ये 1 कप दूध पूरा लग गया है, और ये अभी बैटर बहुत गाढ़ा है तो इसमें अभी और डालेंगे दूध। तो ये मैंने 1 कप के करीब और दूध लिया है।
तो हमारा ये बैटर बन गया है। ये 2 कप दूध लिया था जिसमें से इतना बच गया दूध। अब केक टिन में थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसिंग कर लेंगे इसको। थोड़ा सा इसको डैप डैप कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स कोई आप इसमें फ्लेवर डालना चाहते हो तो वनीला या केवड़ा ड्रॉप या वो डाल सकते हैं, इलायची वगैरह, पर हम सिंपल खाना पसंद करते तो इसलिए मैंने कोई फ्लेवर नहीं डाला है इसमें। अब नमक को देख लेते हैं। नमक गर्म हो गया है, अब इसको रख देते हैं। केक को बनते हुए 30 मिनट हो गई हैं, देखते हैं। तो टूथपिक डाल के देखती हूँ मैं। अभी तो केक बना नहीं है, ये टूथपिक पे लगा हुआ आ रहा है, थोड़ी देर और बनाना है इसको। फ्रेंड्स अब 40 मिनट हो गई है, अब फिर से मैं केक को चेक करती हूँ। 30 मिनट में नहीं बना था मेरा, अब देखती हूँ बनाया नहीं बना। तो अब टूथपिक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ निकल रही है। अब जब हम जहाँ पे भी लगा रहे हैं इसको, साफ निकल रही है टूथपिक, तो इसका मतलब केक बन चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ। अभी केक टिन बहुत गर्म है तो इसको आराम से सावधानी से निकालना हो। फ्रेंड्स अगर आप निकालते हैं केक टिन तो ध्यान से कपड़े से पकड़ के निकालें हमेशा, गरम गरम को हाथ ना लगाएं तो छाले आ सकते हैं। तो अभी हमने ये निकाल दिया है और इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी स्पंजी केक बना है। तो अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा केक बनाया आटे का। तो फ्रेंड्स अब मैं काट के दिखा देती हूँ इसको। काफ़ी स्पॉन्जी केक है ये और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा बनाया हुआ केक की रेसिपी अगर पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।